हिसार पुलिस को मिली है एक बड़ी कामयाबी। एक छोटा गिरोह था, लेकिन छोटा जरूर कह सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे काम करता है। पता है क्या, 20 बाइक हिसार शहर से चोरी की जा चुकी थी और CIA स्टाफ ने उनको पकड़ लिया है। चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूं और आप तस्वीरें स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं किस प्रकार इन व्यक्तियों को यहाँ पर बिठाया गया है। और जो पीछे आप बाइक्स देख पा रहे हैं, ये सभी बाइक चोरी की हैं जो कि इनके द्वारा यहाँ पर पकड़ी गई है। चलिए ये हमारे साथ में DSP साहब मौजूद है, कप्तान जी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर इस पूरे मामले का भंडाफोड़ जो है वो किस प्रकार हुआ है और किस प्रकार CIA स्टाफ को ये पूरी कामयाबी मिली है। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। पुलिस अधीक्षक श्री लोकेंद्र सिंह के दिशा निर्देश अनुसार हमारी CIA स्टाफ हिसार द्वारा एक बाइक चोर गिरोह को काबू किया गया है। उनसे करीब 12 बाइक बरामद की गई हैं। इस गिरोह के मेन जो मुखिया हैं सचिन, सौरव और प्रदीप, गांव गरुआ जिला भिवानी के रहने वाले हैं। सचिन है ये प्लस टू करने के बाद कंप्यूटर्स की तैयारी के लिए कोचिंग ले रहा था, और सौरव है ये प्लस टू के बाद एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था, और प्रदीप प्लस टू करने के बाद अब महावीर स्टेडियम में पहलवानी की करता था। तीनों ऋषि नगर में PG में रहते थे, और करीब 2 माह पहले इन तीनों ने मिलकर बस अड्डे के पास से एक बाइक चोरी की थी और उसका नंबर चेंज करके उसको चलाते रहे, और उसके बाद इनको बाइक चोरी करने की लत लगी, और इस तरह से करके इन तीनों ने मिलकर करीब 20 बाइक चोरी की हैं और चोरी करके अलग अलग स्थानों में बेचते रहे। इसमें सौरव और प्रदीप दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, सचिन की गिरफ्तारी बकाया है। कितनी बाइक पकड़ ली गई हैं सर? अब इनसे 12 बाइक बरामद हो चुकी हैं, और अभी करीब 7-8 बाइक हैं जो सचिन है उसकी गिरफ्तारी बकाया है, उसको बरामद गिरफ्तार करके बरामद किया जाएगा। इसके अलावा 3 लड़के सुरेश, सुमित और मोहित जिन्होंने जो इनसे बाइकें खरीदते थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। क्या उन लड़कों को भी पकड़ने की कोशिश होगी सर जिनको बाइक बेची गई है आगे? हाँ, उसमें 3 लड़के सुरेश, सुमित और मोहित को गिरफ्तार किया जा चुका है, और इसके अलावा जो भी इसमें बाइक चोरी की बाइक को खरीदने मिलेगा उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रशासन अपना काम कर रहा है, समय समय पर आपने देखा होगा कई बार गैंग पकड़ने लग रहे हैं और इनकी धरपकड़ अभी जारी है। नई उम्र का बच्चा सर जो पुलिस के अंदर जाता है, एयरफोर्स की तैयारी करता है, तो इस लाइन के अंदर आ गया, वो क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको क्योंकि उनका फ्यूचर ही खराब हो चुका है? आप सभी को यही संदेश देना चाहेंगे कि वो जो कोई भी गैर कानूनी काम ना करें ताकि उनका भविष्य है वो खराब ना हो, और घर वालों ने जिस काम के लिए उनको भेजा हुआ है उस पर खरा उतरे हुए। आजकल के युवा हैं जो जिन्होंने कुछ गलत लत लगा ली है अपने आप को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए, और घर से उतना पैसा उनको मिल नहीं पाता, इस वजह से वे गलत काम की तरफ जल्दी चले जाते हैं। ये हमारे CIA स्टाफ ने गुप्त सूचना के आधार पर इनको गिरफ्तार किया है। सर कोई RC वगैरह नकली बनाने का काम भी हुआ है या फिर ओरिजिनल के बेस पर? नहीं, कोई इन्होंने RC नकली वगैरह कोई चेंज नहीं की है। इनमें से इन्होंने 7-8 बाइकें बेच चुके हैं थे जिनको अभी पुलिस ने बरामद कर लिया है, और जिनको बाइक की बेची थी उसमें सुरेश, सुमित और मोहित 3 लड़कों को भी हमने काबू कर लिया है। ये एक बाइक को चोरी करने 5-6-7-8 हज़ार तक जो भी जितने का ग्राहक मिलता था उतने बेच देते थे और साथ साथ अपने खर्चे करते रहते थे। और अभी इसमें सचिन की गिरफ्तारी बकाया है जिससे भी करीब 8 बाइकें बरामद की जानी है। जो 20 बाइक इन्होंने चोरी की हैं वे सभी हिसार शहर से ही चोरी की हैं। आगे तक क्या तरीका होता था इनका बेचने का या फिर नंबर बदलने का, किस तरीके से इसको आगे बेचते? ये जो बेचने का जो तरीका था, कुछ मिस्त्रियों के पास चले जाते थे, कोई बाइक खरीदने वाला आता है तो उससे कॉन्टेक्ट उनका नंबर ले लेते थे और उनसे कॉन्टेक्ट करके बाइक बेच देते थे। सर किस तरीके से हिसार में अमूमन माने तो एवरेज 2-3 बाइक डेली उठती है? हाँ, 2-3 बाइकों की एवरेज है, एक दो बाइक रोजाना चोरी हो जाती है। तो क्या लगाम क्यों नहीं लग पा रही सर, क्योंकि बार बार पकड़े भी जाते हैं लेकिन फिर
इसमें आपने पहले भी देखा होगा, ज़्यादातर जो बच्चे हैं वे प्लस टू करने के बाद हैं, जो 18 साल के हैं, वही जो पीजीयू में रहते हैं, घरवाले उनको पढ़ने के लिए या कोचिंग के लिए यहाँ पर शहर में छोड़ देते हैं, वो कुछ गलत लतों का शिकार हो जाते हैं और वो चोरी करने शुरू कर देते हैं। इसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं पढ़ने वाले ही मिलते हैं। सर, जिस तरह के केस आ रहे तो अब आगे क्या प्लानिंग है, अभी बच्चे इस तरह से ना जाएं, कोई आपकी तरफ से कोचिंग सेंटरों में या हाँ इसके लिए जो अवेयरनेस के लिए जो कोचिंग सेंटर वाले हैं या हैं, उनको भी हम इसके बारे में मैसेज देंगे कि इनको पर निगरानी रखें। जो पीजी हैं, पीजी वालों को भी, जो बच्चा यहाँ पर पीजी में रहता है वो किस टाइम आता जाता है उस पर भी थोड़ा कंट्रोल करने के लिए उनको भी निर्देश देंगे। ना इसमें नाबालिग नहीं है, सभी बालिग हैं। चोरी के मामले हैं तो मामले ना इसमें में सिर्फ चोरी के ही मामले हैं। सर, सिर्फ बाइक बेचने का मामला सामने आया है या बाइक के पुर्जे भी चोर आते हैं बेच जाते हैं? नहीं, फिलहाल सिर्फ बाइक बेचने का ही मामला सामने आया है, बाइक के पुर्जे के कोई पूछताछ इस संबंध में जारी है। अब ये रिकॉर्डिंग होगी, ओनर है अपनी कोर्ट से अभी सुपरदारी करवा सकता है। जिनको बेची गई थी वो बाइक, हाँ उनको भी गिरफ्तार किया है। इसमें 3 लड़के सुरेश, सुमित और मोहित को भी हम गिरफ्तार कर चुके हैं।